अब आपके भी चैनल का वीडियो वायरल होगा नहीं, वायरल करेंगे वो भी 100% मात्र एक दिन में। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। नमस्ते, मैं हूँ गौतम कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आपका साझा। दोस्तों, वायरल करेंगे और वायरल होगा इस शब्द में खास फर्क नहीं है, लेकिन अपने अंदर ना कॉन्फिडेंस लाता है। ये दोनों शब्द है ना, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाता है कि वायरल करेंगे, यानी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि हम वायरल वीडियो को करेंगे। वायरल होगा मतलब इसका गारंटी नहीं है, लेकिन ये दोनों शब्द है ना सेम है। तो जो सबसे पहले बताओ कि वायरल आपका होगा कैसे या करेंगे, दोनों सेम ही है। सबसे पहले हम ऐसी टॉपिक उठाएंगे जो यूट्यूब पे वायरल चल रहा हो, ज्यादा वीडियो उस पर बन रही है। जैसे अभी आपको टॉपिक बता रहा हूं, कन्हैया कुमार को ले लीजिए। अब देखते हैं कि इस वीडियो को ले लिए हम, बना दिए कन्हैया कुमार को, वो वीडियो बना दिए, वायरल है वो, बना दिए, मुझे पता है कि ये वायरल होगा, लेकिन फिर भी वायरल नहीं होता है। तो इसी चीज को हम कैसे करेंगे, इस चीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर वीडियो बनाएंगे, थोड़ा अच्छी क्वालिटी से बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे। बनाने के बाद में वीडियो वायरल कब होता है, कैसे होता है, मैं बताता हूं। वायरल किसी वीडियो को सजेशन में जाता है, किसी वीडियो को नीचे आता है, आपकी वीडियो दिखाई देता है। जैसे किसी का वीडियो मैं देख रहा हूं और उसी के टॉपिक में वीडियो बनाया हूं, तो मेरा वीडियो उसके वीडियो को नीचे दिखेगा, तो उसको वायरल बोलते हैं, ताकि वो देखने के बाद मेरा भी वीडियो, वो व्यक्ति जो भी देख रहा है वो देख लेता है। तो आखिर सजेशन में जो वीडियो है वो पहुंचता कैसे है, वायरल होता कैसे, सबसे ज्यादा डिफरेंट करता है आपके जो टाइटल है उस पर। टाइटल अच्छा होना चाहिए, जो भी वीडियो बनाए उस टॉपिक पर उससे थोड़ा अच्छा टाइटल होना चाहिए। उसके बाद सर्चेबल हो या ना हो, जब आपकी वीडियो सजेशन में पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक चल देगा वीडियो, सर्चेबल से कोई मतलब नहीं रहता है। जब सर्चेबल कब देखते हैं, जब आपके सब्सक्राइबर 150,000 ऐसे जो होता है, तब 100 सब्सक्राइबर है तो कैसे होगा। सजेशन में पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, वीडियो बनाने के बाद टैग मारेंगे अच्छा से, और टैग किसी भी वीडियो में 5 से ज्यादा आप मारते हैं तो वीडियो आपका वायरल नहीं होगा। अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं जितना वीडियो उठा के टैग उसका चेक किया हूं, 4 मात्र थे, 4-5, वो छोटा एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा मरना है। तो जैसे मेरा ही वीडियो को मैं टैग मारूंगा, हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब, फिर मारूंगा वायरल वीडियो, हाउ टू वायरल वीडियो, मतलब छोटा छोटा करके मारना है। उसके बाद क्या करना है, उसके वीडियो को सजेशन में पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है मैं बताता हूँ। एक्सटर्नल सोर्स उसे कहते हैं कि हम शेयर करके जो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के द्वारा जो भी व्यू आते हैं उसके एक्सटर्नल व्यू बोलिए, एक्सटर्नल सोर्सेज बोलिए। जब एक्सटर्नल सोर्स जब उस वीडियो पर लगती है तो वो वीडियो ऑटोमेटिक उस सजेशन में पहुंच जाता है। इस सजेशन में जाने के बाद में वो वीडियो आपके ऑटोमेटिक वायरल हो जाता है, धीरे 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 उस पर व्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी के तहत रातों रात आपको 2-3 लाख ऐसे व्यू मिल जाएंगे, और कम से कम 10,000-5,000 सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह मैंने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पहले मैं क्यों नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि पहले का रूल नहीं है कि बेल आइकन लगा दिया और पहले बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, तो बिना अच्छा वीडियो को आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन आपके चैनल को सब्सक्राइब करता क्यों है, कोई भी आदमी चैनल को सब्सक्राइब क्यों करता है, उससे कुछ पाने के लिए, मैं जो टॉपिक बनाता हूँ उस पर बनाने के लिए, या मेरे वीडियो से अच्छी बातें सीखने के लिए, जो भी है उसके कारण करता है। इसलिए मैं पहले नहीं बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी बोल रहा हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको अगर सजेशन में वीडियो कैसे जाता है चेक करना है, तो मेरा वीडियो सजेशन में गया है कि नहीं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।